नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी, प्रस्तुत है समाचार। चीनिया से हेमंत कुमार की रिपोर्ट। बालू लदे ट्रैक्टर ट्रॉली के धक्के से 30 वर्षीय युवक हुआ गंभीर रूप से घायल, भेजा गया अस्पताल, मौके पर पहुंची पुलिस। चीनिया थाना क्षेत्र के रानीचिरी गांव निवासी परवेज अंसारी के घर के पास शनिवार की देर शाम एक बालू लदे ट्रैक्टर के ट्रॉली से एक मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर हो जाने से मोटरसाइकिल पर सवार 30 वर्षीय युवक गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया है। युवक के सर में गंभीर चोटें लगी हैं, तो वहीं घायल युवक की पहचान चीनिया मुख्यालय के नेमला टोला निवासी राजेंद्र सिंह के 30 वर्षीय पुत्र देवानंद सिंह के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार देवानंद सिंह अपनी पत्नी व अपने एक दूध मुहे बच्चे को लेकर निजी कारों से रानीचेरी गांव जा रहा था कि इसी बीच रानीचेरी पुलिया स्थित परवेज अंसारी के घर के पास विपरीत दिशा से आ रही तेज गति में ट्रैक्टर, जिसके ट्रॉली में बालू लदे हुए थे, उस ट्रॉली से मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर हो गई, जिसे गिरकर युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है तथा इस हुए भयानक दुर्घटना में देवानंद सिंह की पत्नी को भी चोटें आई हैं। वहीं घटना की सूचना को सुन चीनिया पुलिस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बवन टुडू अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया व स्थानीय लोगों के सहयोग से घायल युवक को उठाकर बेहतर इलाज के लिए कड़वा सदर अस्पताल में भेज दिया गया है। मामले में पूछे जाने पर चीनिया थाना प्रभारी राजबल्लभ कुमार ने बताया कि बालू लदे ट्रैक्टर ट्रॉली से मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर हो जाने से थाना क्षेत्र के एक युवक घायल हुआ है। फिलहाल उसे बेहतर इलाज के लिए गढ़वा सदर अस्पताल भेजा गया है। मामले की जांच की जा रही है। वहीं इस हुई बड़ी दुर्घटना से ग्रामीणों में काफी रोष है। ग्रामीण बताते हैं कि प्रत्येक दिन देर शाम होते ही तेज गति से ट्रैक्टर का आवागमन शुरू होता है, जिससे हम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। कई बार बड़ी दुर्घटना होने से भी लोग बाल बाल बचे हैं, फिर भी ट्रैक्टर ड्राइवर अपनी मनमानी से पास नहीं आ रहे, जिसका खामियाजा आम लोगों को उठाना पड़ रहा है। वही मौके पर ग्रामीणों ने पुलिस से भी इस तरीके की ड्राइविंग की मनमानी पर रोक लगाने की बात कही। मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। अरे दिनों में चलेगा तो कहे के मतलब है कि इसकी चल रहा है, दिन रात के बात कहाँ है, इसकी चलने की बात है। खाली छोड़ देना हॉस्पिटल में। सामान गढ़वा लेकर थोड़ी जाएगा, देख करके इसको करवाइए। जो गाड़िया जो एक्सीडेंट